मगरमच्छ एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। वे क्रोकोडिलिया क्रम के सदस्य हैं, जिसमें मगरमच्छ और काइमंस शामिल हैं। मगरमच्छ दिखने में काफी भयानक होते हैं, साथ ही ये पानी में तेजी से चलते हैं। वास्तव में वे 22 मील प्रति घंटे तक तैरते हैं। उनकी मांसल पूंछ और जाल वाले पैर उनकी गति में सहायता के लिए पतवार के रूप में काम करते हैं। मगरमच्छ एक प्रकार के सरीसृप हैं। सबसे पहले मगरमच्छ जैसे जीव लगभग 240 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसका मतलब ये है कि वे लगभग उसी समय अस्तित्व में थे जब डायनासोर थे। मगरमच्छ के आंसू को नकली आंसू के रूप में जाना जाता है। यह वाक्यांश भोजन करते समय मगरमच्छों के रोने के तरीके को संदर्भित करता है। जैसे ही वे निगलते हैं, उनके साइंस से हवा आंसू नलिकाओं में प्रवेश करती है और आंखों से बाहर बहने लगती है, जिससे वे रोने लगते हैं, भले ही वे रोते नहीं हैं। एक मानव जबड़ा प्रति वर्ग इंच अधिकतम 100 पाउंड दबाव डाल सकता है। इसके विपरीत उनके जबड़े प्रति वर्ग इंच 700 पाउंड दबाव डाल सकते हैं। एक बड़ी सफेद शार्क की तुलना में इसका दंश 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हालांकि मगरमच्छों के जबड़े खोलने वाली मांसपेशियां इतनी छोटी और कमजोर होती हैं कि कोई व्यक्ति केवल रबर बैंड या अपने हाथों से उनका मुंह बंद कर सकता है। मगरमच्छ पृथ्वी पर झांत सबसे बड़े सरीसृप हैं। कुल लंबाई के संदर्भ में खारे पानी के मगरमच्छ पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवित सरीसृप हैं। वयस्क 23 फीट से अधिक लंबे हो सकते हैं, जो उन्हें दुनिया का सबसे लंबा सरीसृप बनाता है। वे 5000 किलोग्राम तक वजन प्राप्त करने के लिए जाने जाते हैं, जो 2600 पाउंड तक होता है। उनके पास 24 अविश्वसनीय रूप से तेज दांत होते हैं। मगरमच्छ शायद ही कभी अपना भोजन खाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। इसके बजाय वे अपने शिकार या भोजन को पकड़ने और चकनाचूर करने के लिए अपने दांतों का उपयोग करते हैं। वे छोटे छोटे पत्थर निगल लेते हैं, जो उनके पेट में जाकर उनके लिए भोजन को पीसते हैं। सीपियों और हड्डियों वाले जानवर या मगरमच्छ जो अपने शिकार को खा जाते हैं, उन्हें गैस्ट्रोलिथ्स नामक पत्थर निगलने से लाभ होता है। गैस्ट्रोलिथ की सहायता से भोजन उनके पेट में डाला जाता है। मगरमच्छ के पेट में ये पत्थर कई सालों तक रह सकते हैं।